फिर दो आंख इंपॉर्टेंट है, दो हाथ इंपॉर्टेंट है, दो पैर इंपॉर्टेंट है, इसी तरह मदरसे की तालीम भी इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न एजुकेशन भी इंपॉर्टेंट है। एक हाथ नहीं हो तो क्या हो जाता है? अपाहिज। आज के जमाने में सिर्फ मॉडर्न एजुकेशन पा लिया मैंने और मेरे पास दीन नहीं है तो फिर मैं हैंडीकैप हूं। सिर्फ दीन को पा लिया मैंने और मॉडर्न स्किल्स मैंने नहीं सीखा तो फिर मैं, मेरे बीवी, मेरे बच्चे, मेरे खानदान बीमार हो जाए, कोरोना आ गया, इलाज कराना, मेरे पास पैसे नहीं है, कैसे तालीम दूं मैं बच्चों को मेरे, कैसे हज पर ले जाऊं मैं, सबको पैसों की जरूरत है। यू हैव एब्सोल्यूट राइट टू अर्न मनी। अकल हलाल की हो तो आप लखपति भी बन सकते हैं, आप करोड़पति भी बन सकते हैं। आने वाले जमाने में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर एक को मॉडर्न एजुकेशन कंपल्सन करने वाला है। मानो के ड्राइविंग लाइसेंस है, आप 12वीं जमात कामयाब होंगे तभी आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा, आधार कार्ड मिलेगा, पासपोर्ट मिलेगा। आप 12वीं जमात नहीं किए, पासपोर्ट से महरूम, ड्राइविंग लाइसेंस से महरूम, ऐसे कई गवर्नमेंट स्कीम से महरूम, कुछ भी करके हमें करना करना है। 2020 से 2030 के लोग नहीं करेंगे, लेकिन 2030 से 2040 तक के लोगों को करना ही करना है। यानी हर मदरसे में मॉडर्न एजुकेशन आज नहीं तो कल आने ही वाला है। मैं नहीं चाहता कि वो बच्चे मदरसे के जो तलबा जो पढ़ाई कर रहे हैं हिंदुस्तान के तमाम मदारिस में, वो मॉडर्न स्कूल्स में चले जा रहे हैं। वो आप ही के जेरे निगरानी में कुरान को सीखते हुए, हिफ्ज करते हुए, आलिम बनते हुए वो डॉक्टर भी बने, वो इंजीनियर भी बने, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बने, वो मोटिवेशनल स्पीकर भी बने, वो बिजनेस एंटरप्रेन्योर भी बना।